अहम खबर शामिल करेंगे। हैदराबाद में साइट एरिया में कॉटन फैक्ट्री में आग लग गई है। आग ने फैक्ट्री में मौजूद कपास को अपनी लपेट में ले लिया है। मजीद जानते हैं आई न्यूज के नुमाइंदे वसीम खान से। जी वसीम खान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हैदराबाद के साइट एरिया में वाकई कॉटन फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी, जिसके बाईस कॉटन फैक्ट्री में मौजूद जो कपास की गांठें हैं उनमें आग फैल गई है। साथ ही साथ क्योंकि आज हवा का इंतहाई तेज दबाव भी है, इसलिए आग की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। वाकई की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें जो है कॉटन फैक्ट्री पहुंच गई हैं और आग बुझाने का अमल शुरू कर दिया गया है। जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं उनका यह भी कहना है कि कपास के साथ साथ फैक्ट्री में भूसा भी बड़ी मिकदार में मौजूद है, जिसके बाईस आग की शिद्दत में मजीद इजाफा हो रहा है। ताहम उनकी कोशिश है कि आग पर जल्द अज जल्द काबू पा लिया। वसीम खान, इससे कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? जी अब तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ताहम जो हजारों की तादाद में रुई की गांठें थी वो जलकर खाकस्तर हो गई है, जिसकी वजह से माली नुकसान हुआ है, जिसका बाद में अंदाजा लगाया जा सकेगा। आग बुझाने में कितना वक्त दरकार है? जी फायर ब्रिगेड के हमले से हमारी बात हुई है तो उनका यही कहना है, क्योंकि आज हैदराबाद में हवा इंतहाई तेज है जिसकी वजह से आग बुझाने में उनको काफी मुश्किल का सामना है। काम उनका ये कहना है कि आग बुझाने के अमल में जो है चंद घंटे लग सकते हैं। किस दर्जे की आग करार दिया गया है इसको? जी अभी जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो उसके जो इंचार्ज हैं वो मौके पर नहीं पहुंच सके। जो निचला अमला है जो आग बुझाने में मसरूफ है उनका यही कहना है कि जैसे फायर ब्रिगेड इंचार्ज वहां पहुंचेंगे तो बताया जाएगा कि आग किस दर्जे की है। बहुत शुक्रिया वसीम खान, तफसीलात बता रहे थे।